अनंत चतुर्दशी के मौके पर आज मुंबई समेत देश के कई हिस्सों में विघ्नहर्ता गणपति बप्पा को बड़ी धूमधाम से विदाई दी गई। 10 दिनों तक गणेश उत्सव मनाने के बाद भक्तों ने कड़ी सुरक्षा के बीच घाटों पर बप्पा को विसर्जित कर अगले बरस दोबारा आने का न्योता दिया। झंडापुर में चल रहे गणेश महोत्सव पर लोगों ने शोभा यात्रा निकालकर गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया, तो वहीं मुंबई के मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर में विशेष आरती की गई। लालबाग के राजा के पंडाल में हाइड्रोलिक लिफ्ट का प्लेटफॉर्म बनाकर बप्पा की भव्य मूर्ति को समंदर में विसर्जित किया गया। विसर्जन के इस मौके पर भक्तों ने ढोल नगाड़ों के साथ माथे पर सिंदूर लगाकर और पूजा अर्चना के साथ गणपति की प्रतिमाओं को विसर्जित किया। भक्तों की सुरक्षा को लेकर बीएमसी ने बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती, सीसीटीवी, मेटल डिटेक्टर, खोजी कुत्ते से लेकर दमकल कर्मियों, गोताखोरों की सारी तैयारियां कर रखी थी। इस बार बीएमसी ने मूर्तियों के विसर्जन के लिए कृत्रिम जलाशय भी बनाए। कहा जाता है कि श्री वेदव्यास ने गणेश चतुर्थी से गणेश जी को महाभारत की कथा 10 दिन तक सुनाई थी, लेकिन 10 दिन बाद जब आंखें खोली तो भगवान गणेश का तापमान बहुत अधिक पाया, जिसके बाद वेद जी गणेश भगवान को ठंडा करने के लिए पास के एक कुंड में ले गए और तभी से गणेश स्थापना के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा को विसर्जित करने की रस्म निभाई जाती है। बप्पा की विदाई पर भक्तों के चेहरों पर गुलाल, आंखों में चमक थी, तो वहीं मन में बस यही उम्मीद कि अगले बरस बप्पा तू जल्दी आना। देखते रहिए डीबी लाइफ।